हेलो। तो आज तक तो आपने ब्राइडल मेकअप तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज का जो मेकअप होने वाला है वो ब्रेकअप मेकअप होने वाला है। ब्रेकअप मेकअप होने वाला है, डिवोर्स मेकअप होने वाला है। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा हंसी आने वाला है आगे आपको वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला वीडियो है ये। मैं अभी इस वाले हैक को ट्राई करने वाली हूँ, बहुत हुआ रेड पिंक। अभी मैं यूज करने वाली हूँ ऑरेंज लिपस्टिक और ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे लेना होगा टिश्यू पेपर, तो ये रहा टिश्यू। मुझे ट्राई करने के बाद कोई सा रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं सोचा एक बार और ट्राई कर लेते हैं, शायद कुछ मिस्टेक हो गया होगा, इसीलिए मैं इसको एक बार और ट्राई करने वाली हूँ। और ट्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं जब इसको ट्राई की, दूसरा बार भी मैं इसको ट्राई की, फिर भी ये नहीं हुआ अच्छा से, तो ये हैक तो किसी काम का नहीं रहा। ये हैक एकदम फालतू निकला। ट्यूशो के आर पार कोई भी लिपस्टिक कैसे हो सकता है? ऊपर से स्प्रे करना है तो मैं रोज वाटर स्प्रे की, पता नहीं ये लोग क्या स्प्रे करते, फिर भी टिश्यू के आर पार ऐसे लिपस्टिक लग जाना थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे, कि पता नहीं ये सच में ऐसा होता ही है या फिर यू ही फेक है। मुझे तो लगा नहीं, ये जो लगा है वो पार्टिकल टाइप में लगा हुआ है, मतलब जहाँ जहाँ कहीं 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 ऐसा लगा हुआ है, तो मुझे तो ये सही नहीं लगा। ये हैक बहुत बकवास था। कोई नहीं, ये हैक तो बिल्कुल ही बकवास निकला। बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट हैक की तरफ। मैं इसको करने के लिए सबसे पहले लगा लेती हूँ काजल, और लगाने के बाद मिलते हैं फिर। मैं काजल लगा चुकी हूँ, अब इसको स्मच करना बाकी है। तो ये हैक काम का है, ऊपर की साइड में तो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि ऊपर की साइड में थोड़ा कम मैं काजल लगाई थी, लेकिन नीचे के साइड में बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गया और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, ट्राई करते हैं। नहीं, मतलब ये क्या है, ये क्या है, मतलब ठीक है बोल्ड लिप्स दिखाने के लिए सही है, लेकिन इतना हद तक बोल्ड दिखाना, ये तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे इतना बेकार तरीके से तो एक बच्चा भी नहीं लगा सकता है। मतलब ये बाहर कोई कैसे लगा के जा सकता है, इन लोगों से कौन पूछने जाए, ऐसे ही बेकार में। ये किसी काम का नहीं है, बस एक तरह से एंटरटेन ही करना हुआ कराना हुआ। कोई नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। बढ़ते हैं, करते हैं। वैसे मैं हमेशा यही कलर पिक करती हूँ ज़्यादातर, इस बार भी वही कलर। देखते हैं, ट्राई करते हैं।
तो मैं अभी ना अपने फेस पे फाउंडेशन लगाई हूँ, ना ही आईज एरिया पे कंसीलर लगाई हूँ, तो ये आई शेडो बहुत ही लाइट मेरे आईज के ऊपर आएगा, तो इसीलिए मैं इसको लगाने के लिए अपने फिंगर यूज करूंगी ताकि थोड़ा सा डार्क दिखे। ये हैक बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, सेकेंड आईज में भी देखते हैं। दोनों दो तरीके से लगा हुआ है, लेकिन ये हैक बहुत ही अच्छा है और ये काम भी बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब वो शेप आ रहा है जो शेप के लिए इसको इस तरीके से कट किया गया है, तो ये हैक तो पास है। तो आज के लिए बस इतना ही। अरे नहीं, अभी तो ब्रेकअप मेकअप देखना बाकी है, तो वो मेकअप है जो भी है मैं भी दिखा रही हूँ, लेकिन वो मेकअप मैं नहीं करने वाली हूँ, देखते हैं। और इसका कमेंट जो जो है, जो भी कमेंट है, मैं इसको जरूर स्क्रीन पर दिखाऊंगी ताकि थोड़ा सा जो भी रियलिटी है, और ये ब्रेकअप मेकअप और ना ही डिवोर्स मेकअप, ये मेरा नाम दिया हुआ नहीं है, ये मैं देखी हूँ, पढ़ी हूँ कमेंट, तभी मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो देखिए, सच में ये मेकअप अगर करके कोई शादी में चल जाए, शादी करने अगर कोई किसी का शादी है और उसको इस तरीके से मेकअप कर दिया जाए ना, तो सच में उसका सात फेरा हो या ना हो, लेकिन जो भी रिश्तेदार, जो भी दूल्हा है, वो जरूर उसको देख के भाग जाएगा, सभी लोग डरने वाले हैं। तो ऐसा मेकअप पता नहीं कोई क्यों करता है, इतना ज़्यादा भी मेकअप सही नहीं लगता है। जो फेस है, अगर मेकअप करना ही है तो फेस जैसा आपका नेचुरल दिखता है उस तरीके से आप मेकअप कीजिए, ताकि आपका फेस ज़्यादा ही ओवर ना लगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।